सूखा बम्बिल, इसको उसका हेड कट कर लेना है, फेंके नहीं, उसका चटनी बना सकते हैं। इसको पीसेस करके पानी में भिगो के रखिए, ऑनियन कट कर ले, जैसे ही तेल गर्म होता है ऑनियन को उसमें डालना है, और इमली को भी पानी में भिगो के रखिएगा। तब तक नमक, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्ची पाउडर, और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। जब ऑनियन कैरमलाइज हो जाए उसके बाद में ही इमली का पानी और सूखा बूम्बिल जो कट करके सोख करके रखे थे वो डालना है, और उसको कवर कर देना है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद में वो थोड़ा पक जाएंगे, उसमें डालना है करी लीव्स, अच्छे से मिक्स करना है, और रेडी है।